अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी पाना जी। मैं आपसे ब्लॉग में गुड आफ्टरनून वगैरह कर रही हूँ, हाय हेलो कर रही हूँ, और ब्रूनो और आरव एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, दोनों का ऐसे ही चलता रहता है सारा दिन। और हमने नाश्ता कर लिया है और अभी आरव और मैं हम दोनों एक लास्ट कोशिश और करने लगे हैं। जो हमारा अलमारी के ऊपर का सामान है वो हमने नहीं देखा था बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा। तो अभी मैं और आरव वो सारा सामान हटाकर एक बार अपनी रिंग को ढूंढने लगे हैं, क्योंकि और तो कोई खाना घर में बचा नहीं, क्योंकि कमरा इतना बड़ा तो है नहीं कि गुम जाए और मिले नहीं। तो अभी हम देखते हैं वो सारा सामान हटाकर कि शायद होपफुली रिंग जैसे ऊपर उछली थी वो शायद कहीं इधर उधर गिर गई हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो जगह कौन सी है। गाइज ये देखिए, ये जो सारा सामान पड़ा हुआ है ना, ये सारा इस तरफ, यहाँ पर हम एक बार रिंग को ढूंढेंगे, क्योंकि और तो कोई जगह हमने छोड़ी नहीं कमरे के अंदर। तो यहाँ हटाकर देखते हैं अभी क्या होता है। क्या कर रही हो मैं? अपनी रिंग ढूंढ रही हूँ, कहाँ गई रिंग की? ये खाना रह गया था जो हमने चेक नहीं किया था ना। हाँ, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कर दिया। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर? हाँ। और इसके इसके साइड में, साइड में मैं देखती हूँ, साइड वाला और ये खाना एक रह गया था वहाँ, तो मतलब ही नहीं जाने का इतनी ऊपर। अरे जा सकती है कैसे? नहीं जा सकती, वहाँ कैसे जाएगी? वहाँ बड़े आराम से जा सकती है। उड़ी आप कह रही हो? चलो उधर भी देख लेंगे एक बार, इस कमरे में गद्दे वगैरह तो सारे चेक कर ही लिए हैं। एक बार खुद सनी के इधर भी देखेंगे। और गाइस ये देखिए मासूम बच्चा क्या कर रहा है। मासूम कुत्ता, इसको मासूम नहीं बोलते। बिल्ली बाबू मिलने की तो सबसे पहले मैंने ही नाचना है, पता चला। बिल्ली नहीं ये देखिए गाइस, अलमारी के पीछे एकदम क्लियर है, कुछ नहीं दिख रहा। मैं दिखाता हूँ गाइस आपको, ये देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा नीचे। वही तो, अलमारी के पीछे तो एकदम क्लियर है, वहाँ कहाँ से दिखेगा। हाँ। अब कहाँ ढूंढना है? अभी एक तो ये ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एक नजर मार लेते हैं और यहाँ। गाइस देखिए, अब आरव चेक कर रहा है ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, कुर्सी पे खड़ा होके, कि शायद यहाँ पर तो नहीं गिर गई। और पूरी तरह सब जगह देख रहा है वो। है आरव? नहीं है ना, चलो उतर आओ, नहीं होगी फिर घर के अंदर। गाइस देखा ना आपने, कहीं नहीं मिले। हमने गद्दे वगैरह सब झाड़ लिए थे, बेड झाड़ लिए थे, ऊपर भी देख लिया, नहीं मिले। अब वही समझ में नहीं आ रहा कि रिंग उछली और गई कहाँ। चलिए अब जो भी, आप तो ढूंढने वाला कोई मतलब ही नहीं बनता बिल्कुल भी। तो अब हम लगते हैं अपने काम में और शुरू करते हैं अपना डेली रूटीन का काम, सफाइयाँ एंड नहाना धोना एंड ऑल, और फिर मैं आपसे मिलूँगी नहाने के बाद। गाइस ये देखिए आरवी चटोरा क्या खा रहा है। हेलो, ये तू बेड़मी पूड़ी आलू किस खुशी में लाया है? आपकी मेरा मूड ठीक करने के लिए, कि मतलब मेरा, ओए इसको म्यूट कर एक मिनट। आपका मूड ठीक करने के लिए लाऊं मैं? अच्छा, मेरी फेवरेट बेड़मी पूड़ी आलू लंच के लिए, मजे आ गए यार, मेरा तो बहुत टेस्टी है। गाइस ये मेरा और ये है आरव का बेड़मी पूड़ी आलू, और मैं आपसे मिलूंगी नहाने के बाद, क्योंकि मैंने अभी ना अपनी शक्ल बड़ी डरावनी बना रखी है। हाँ मैंने एक बाइट खा लिया, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो चलिए अब हम मिलते हैं खाना खाने के बाद। ब्रूनी को देखो, इसका बाउल वो रहा जो ये चट कर चुका, और अभी मेरे पास आ रहा है पूड़ियाँ मांगने। अभी तेरे को पूड़ी दूँ? तूने पूड़ी खानी है? ये देखो मेरी निक्कर से अपना मुंह साफ हो रहा है इसका, ये देखो। अरे यार निक्कर से मुंह साफ कर रहा है मेरी, बताओ हाथ धो गई चमार। ओए ब्रनू खा ले अपना। वेलकम बैक गाइस, नहा धो के रेडी। देखो आरव आपको पीछे से पहले हाय कर, आरव से गुड आफ्टरनून। तैयारी शुरू? तैयारी एग्जाम्स की। चलो, और मैंने सुबह इसका सारा टेस्ट वेस्ट ले लिया, सारा इसने बहुत अच्छे सुना दिया, टच वुड अच्छे से तैयारी हो गई। अब हम लगेंगे आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, फिलअप्स, वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग एंड वो सारा हम लगेंगे अभी करने। और मैंने अभी जोत जलाई है मंदिर में, देखिए गाइस ये देखिए हमारे छोटे से प्यारे से मंदिर में बाबा जी की जोत जल रही है, बस उनका आशीर्वाद बना रहे, बाकी जो होगा देखी जाएगी। और हमारे बड़े ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने आज का वीडियो देखा, और उन्होंने मुझे बहुत सारा मतलब विशिंग भेजा कि आप टेंशन मत लो, आप ढूंढो मिल जाएगा। तो गाइज़ मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, बार बार पूरा रूम खाली करके देखना ढूंढना बहुत टाइम लग जाता है। तो आज एक लास्ट ट्राई और करना था अलमारी के ऊपर, जो मैंने आपको दिखाया वो सब देख लिया, बट अब मैं और नहीं ट्राई करूँगी, क्योंकि सारा घर तीन बार मैं
उस कमरे में 3 बार मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, तो अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं बार बार पूरा रूम खाली करके उसको चेक करती रहूँ। तो अब लेट इट गो कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। बट थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमें इतना कंसर्न दिखाते हैं अपना, हमारे लिए इतना सोचते हैं और अपना प्यार हमें देते हैं, तो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी हमें कमेंट किया, मैसेज किया और जो हमारे लिए चिंता करते हैं, तो उन सबको हमारा ढेर सारा प्यार। और मैं अब आपसे मिलूंगी शाम। क्या कर रही जा रही हो मम्मी? क्या करने जा रही हूँ मैं? खाना, बच्चे, ट्यूशन, पढ़ाई, बस यही। एक्चुअली बच्चे भी सारे पढ़ कर गए हैं और मैं अरब के लिए बनाने लगी हूँ मैगी। तो मैं पहले बांध दी अपने मैगी नूडल्स वाले बाल है अरब। पता चले तेरे मैगी नूडल्स के अंदर मेरे मैगी नूडल्स? नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। मैंने अभी अपने बाल बांध दिए और अब मैं बनाने लगी हूँ अरब की मैगी। उसके बाद पूरा घर समेटना पड़ेगा क्योंकि बहुत मेस हो जाता है और हमारा ब्रेड किचन में आने का कैसे शो मिल रहा है। ब्रेंडी ब्रेंडा ब्रनू किचन में नहीं आना। आओ मैं वाशा। हाँ मेरा बच्चा, ये देखिए इसको ना लाडी करनी पहले, ये देखो अब ये लाडी करेगा। मम्मा पढ़ा। गाइस कमेंट में बताइए कान खड़े होके कैसा लग रहा है। गुस्सा कर रहे हैं, छोड़ दो छोड़ दो, मुझे किचन में क्यों नहीं आने दे रही? देखो कितना बदतमीज है, बड़ा गुस्सा आता है तेरे को। कितनी क्यूट वाली वाली। आपसे मिलती हूँ अरब की मैगी बनाने के बाद। अब गाइस बताना कमेंट में ये खड़े हुए कानों में कैसा लग रहा है। अरे मेरा बच्चा है मम्मा, क्यूट। गाइस मैं अभी बाजार से होकर आई हूँ और मैंने हमेशा की तरह बाजार में व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज आई वॉज अलोन, तो अकेले मैं व्लॉगिंग नहीं करती, आपको पता है। और देखिये मेरे आने के बाद ब्रूनो अरब के कैसे चिपका पड़ा, ये देखिये गाइस, ये देखिये जरा दोनों भाइयों का क्या बोलते हैं, कौन सा मिलाप होता है, प्यार वाला मिलाप हो। ये पीछे से कमेंट्री तो बड़ी होती रहती है, व्लॉग में आया नहीं जाता इन लोगों से, दूसरे पड़ोसी मुल्क के लोग हमारे। गाइस ये देखिए हम सामान लाए हैं, बस ये सामान हम लाए हैं जो हम बाज़ार से भी लेकर आए हैं और हमें कुछ काम तो होता ही नहीं। हम लाए हैं दूध। अरे यार क्या है, हाँ ये देखिए हमारा ब्रूनो इतना फेमस हो गया है, केमिस्ट वाले भैया भी हमारे व्लॉग देखते हैं, कह रहे अच्छा आप ब्रूनो के लिए लेने जाए हो सेरेलैक्स। मैंने कहा हाँ जी। हाँ पहले इन दोनों को देख लो भाई, इन दोनों का प्यार। अरे देख मैं अपने लिए क्या लई, आई लव इट। और फिर ये बाकी ब्रूनो का सामान है, ये हमारे बच्चों के लिए है नगेट्स, ये कड़ी, ये है प्याज, टमाटर, पनीर और बस आम वगैरह ऑल दैट। तो ये सारा घर का सामान लाने के बाद अब मैं बनाऊंगी पहले खाना, आई मीन आज बना रही हूँ चिकन। 2 दिन से ना आई स्वेयर मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो रात को खाना खाया ही नहीं। कल ब्रेड पकौड़े बनाए ना, ब्रेड पकौड़े मेरे हस्बैंड ने नहीं खाए तो फिर मैंने भी नहीं खाए, बच्चों ने खा लिया और हम लोग सो गए क्योंकि मूड उनका था नहीं खाने का। फिर मैंने कहा मैंने क्या खाऊँ अब, वो नहीं खा रहे तो फिर मैंने भी नहीं खाए। तो अब मैं बना रही हूँ आज चिकन ताकि सबका मूड ठीक ठीक रहे। वॉट एवर छोड़ दो, लीव इट, कुछ कर नहीं सकते ना यार, हमारे बस में कुछ है तो है नहीं, हम क्या करें, हम रोएं, सर पकड़ें, क्या करें और कितने दिन तक करें, जो चीज़ नहीं मिल रही नहीं मिल रही, कर क्या सकते, कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज़ लेट मी नो कि क्या करूँ मैं। और अभी मैं मिलती हूँ आपसे सारा सामान समेटने के बाद और खाना बनाते हुए। गाइज आप मेरी आंखों में देख ही रहे हैं बहुत पानी आ रहा है क्योंकि प्याज काटे हैं, एक्चुअली काटे तो नहीं है मैंने, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया, लेकिन इतने कोड़े प्याज थे ना, इतने कोड़े, मतलब कोड़े इन द सेंस कोड़े पंजाबी का वर्ड है ना, कड़वे, इतने कड़वे प्याज थे कि आंखों में से पानी आ गया। और मैं अभी बना रही हूँ चिकन और आज जो मैं चिकन बना रही हूँ उसका नाम ना कुछ अजीब सा था, आरा पारा चिकन रारा, मुझे भी नहीं पता क्या नाम होता है ये, तो चिकन रारा ही बोलते हैं इसको। और ये मैंने थोड़ा सा सर्च किया था क्योंकि मुझे डिटेल में इसकी डिटेलिंग नहीं पता थी, तो मैं भी आपको कुछ कुछ बताऊंगी, कुछ कुछ छुपाऊंगी, सारा नहीं बताऊंगी, सारा जानना है तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा वरना मैं नहीं बताऊंगी, मेरी मर्जी। तो अभी मैं बना रही हूँ चिकन रारा और बनने के बाद कैसा दिखेगा वो भी बताऊंगी। ब्लॉग मुझे बनाना पड़ रहा है कुकिंग करते हुए, आरव और मेरी बेटी दोनों चले गए गली में बैडमिंटन खेलने, इस टाइम यहाँ पर सेफ्टी है, कोई डर वाली बात नहीं, बच्चे खेलते हैं। तो मैं अभी दिखाती हूँ मेरी प्रिपरेशन। गाइज ये देखिए मैंने चॉपर में प्याज अच्छे से ग्रेट किए हैं, चिकन अभी धोना है, 1.5 किलो है, और ये सरसों का तेल गरम हो चुका है अच्छे से, तो अभी मैं इसमें प्याज और ये जीरा और ये हींग डालूंगी और प्याज करूंगी लाल और फिर डालूंगी टमाटर ग्रेट करके और फिर आपको दिखाऊंगी। गाइज ये देखिए मसाले की शक्ल आपको दिख रही है बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने आपको रेसिपी पूरी डिटेल में नहीं बताई, खाली प्याज दिखाए हैं। अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपने व्लॉग में भी आगे भी और बताऊंगी भी, बट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं बता रही। और जब पूरा चिकन अब रेडी हो जाएगा, जब मैं चिकन धो के इसमें डाल दूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बने हैं। गाइज रात के 10:45 बज रहे हैं और मेरे दोनों बच्चे गली में खेल रहे हैं बैडमिंटन, तो यहाँ पर इनको आज़ादी, घर के सामने आराम से खेल सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा दूँ। हाय बडी, आगे तो आ, पड़ोसी हैं, कहाँ छुप गई,
कहाँ छुप गई? ढूंढो ढूंढो, कहाँ है? और नजर भी नहीं आ रही, पेड़ों के पीछे छुप गई हो मोटी। अच्छा चल कोई नहीं, कब तक आ रहे हो? खाना बन गया ऑलमोस्ट, चलो ठीक है, आ जाना भी टाइम से, ठीक है? 11:45 आ जाना, ठीक है? देखा गाइस, यहाँ पर ये आराम है कि बच्चे घर के आगे अपना आराम से बैडमिंटन खेल सकते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि गैलरीज है ना, ग्रिल से बिल्कुल साफ बाहर का दिखता है, तो इसलिए टेंशन नहीं होती। अभी 10-15 मिनट में आ जाएंगे, फिर खाना। मम्मी भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी। गाइस ये देखिए, हमारा चिकन रारा इज रेडी। अब मुझे ये नहीं पता इसका नाम रारा पारा क्यों है, बट ये एक्चुअली चिकन रारा की रेसिपी है जो मैंने डाली है, और मुझे भी आता नहीं था, मैंने बहुत सर्च किया और मैंने बनाया। अब ये मेरा बेटा और मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स खा के बताएंगे कैसा बना है, बट ये माउथ वाटरिंग बना हुआ है। आई कांट बिलीव, दो दिन से ना, दो रात से हमने, मेरे मियाँ बीवी उन्होंने खाना नहीं खाया ढंग से, तो आज खाएंगे पौड़ के, बहुत हो गया टेंशन। मैं आपको हल्का सा इसमें दिखाती हूँ कि ग्रेवी बहुत पानी जैसी नहीं है, बट ये ना हल्का हल्का रस में सा बनाया मैंने, ताकि राइस वगैरह खाए जा सकें। तो ये तरी वाला नहीं होता, ये ऐसा ही रस में सा होता है। तो अभी मैं आपको आरव का रिएक्शन बताऊंगी चिकन खाते हुए। और अगर आपको इसकी इजी रेसिपी, क्योंकि मेरी कुकिंग बहुत टंटे पंटे वाली तो होती नहीं, बहुत इजी है, फटाफट 2 सीटी के अंदर चिकन रारा का रारा रेडी, तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा और ज़रूर पूछिएगा अगर आपका मन हो, और आप पूछेंगे तो आपको पता है मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि क्विक ईजी रेसिपी थोड़ा सा मसालेदार चिकन कैसे बनता है। और अभी मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए रोटियाँ फटाफट, और आपको दिखाती हूँ। हेलो, क्या खा रहे हो आप? चिकन रारा। इसको रारा क्यों बोलते हैं यार? चल टेस्ट करो, बता मुझे जरा, आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं, राइट? और सच्ची सच्ची ओपिनियन दियो, ये नहीं कि व्लॉग के चक्कर में अच्छा बोले, अच्छा होगा तो अच्छा बोलना। अरे जा उंगलियां चाट रहा है। ये थोड़ा अलग बना है ना, ग्रेवी वाले से अलग बना है ना। और पता है मैंने रेसिपी में ना जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारे नहीं दिखाए, सिर्फ प्याज और टमाटर मिक्स करते हुए दिखाया बस। कमेंट में पूछेंगे तब बताऊंगी। गाइस आप कमेंट क्यों नहीं करते? कंजूस कंजूस कंजूस, कमेंट में कंजूसी। चले गाइस, अभी मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं भी थोड़ा सा खाना खा लूँ, और अब मैं आपसे मिलूंगी कल अपने नए ब्लॉग में। और देखिए आज मैं सारा दिन ब्लॉग में खुश रही, मतलब वैसे भी खुश रही हूँ मैं, खाली ब्लॉग में ही खुश नहीं रही। जब मैं उदास होती हूँ तो मैं ब्लॉग में भी उदास होती हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ब्लॉग में भी गुस्सा करती हूँ, तो जो मेरा सारा दिन का मूड होता है वो मेरा आपके साथ भी शेयर होता है, ठीक है? तो आई एम ओके, परफेक्टली फाइन एंड हैप्पी। मिलती हूँ आपसे कल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये देखिए मेरे हस्बैंड पीछे से भूनी को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, वो अभी सो के उठा है। सुना, गुड मॉर्निंग किसको बोल रहे हो? ये अभी पहले सुसु करेगा, सो के उठा है ये। इसको इधर बाहर कर दो, सुसु कर ले। देखो जरा, देखो जरा, लग गया अपने पापा के साथ मस्तियां करने। कुत्ता मुंह चाट ले। तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक आती रहें। मिलती हूँ कल, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, टेंशंस को लेट इट गो कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है टेंशंस लेने का, तो मैं भी नहीं लेने वाली। गुड नाइट, टाटा बाय।